नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेंद्र पवार। और दोस्तों फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2017 में विभिन्न बदलाव किए गए, आप देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, एक तो आवेदन तिथि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, इसमें आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। और दोस्तों जो पदों में भी बदलाव किया गया है, वो पदों का बदलाव हम देखते हैं। और दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, मैंने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है खोल रखी थी, तो आप भी खोल लेना। ये www.police.rajasthan.gov.in पे जाके प्रेस रिलीज पे जाके आप देख सकते हो। तो इसमें दो, ये प्रेस रिलीज में दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, एक तो फर्स्ट और सेकंड। इस पहले ये सेकंड वाला कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2017 की संशोधित विज्ञप्ति, इसमें डाउनलोड करके देखते हैं हम। तो दोस्तों आप देख सकते हो, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2017 की संशोधित विज्ञप्ति। महानिदेशक पुलिस राजस्थान के पत्र क्रमांक 3922 दिनांक 18/10/2017 द्वारा जारी कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2017 हेतु विज्ञापित पदों में से क्रम संख्या 32 में इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर के लिए विज्ञापित कांस्टेबल सामान्य त्योत्तर पदों को समाप्त किया जाता है, एवं क्रम संख्या 12 पर इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर के लिए विज्ञापित कांस्टेबल चालक के 13 पदों में से 3 पद जिसमें सामान्य वर्ग है कम किए जाकर 10 कांस्टेबल चालकों के पदों की भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल सामान्य के 73 पद एवं कांस्टेबल चालक के 3 पद जिला नागौर के लिए निम्नानुसार आवंटित किए जाते हैं। दोस्तों इस जिले का नाम है जिला नागौर और इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर है। पद का नाम कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालक, इसमें भी ऐसा कैसा है सामान्य चालक है। इसमें SC जो जिला नागौर, इसमें SC के 11 है संशोधित विज्ञप्ति में जो आज जारी हुई विज्ञप्ति है। ST 8 है, OBC 15, सामान्य 39 है और योग टोटल 73 है। इसी प्रकार जिला नागौर में जो चालक के पद, इसमें 1 1 1 और इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं है और टोटल है 3 है। इसी प्रकार से इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर में आप देख सकते हो, इसमें 0 0 0, इसमें सामान्य में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये 0 के 0 है। और कांस्टेबल चालक है जिसमें SC के 6 हैं, ST के 0 1 है और OBC के 0 2 है और सामान्य के 1 है, तो टोटल 10 है आप देख सकते हो इसमें। इसी प्रकार से जो ऑनलाइन में आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, उसके बारे में नीचे न्यूज़ लिखी हुई। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा इंटेलिजेंस शाखा के विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन एवं न्यायालय आदेश से अधिक आयु के अभ्यर्थियों द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया है, उनके लिए विकल्प है कि वह अन्य जिला यूनिट हेतु अपना पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र को दिनांक 15/1/2018 तक ऑनलाइन ऑफलाइन संशोधन करा सकते हैं, जिनको प्रत्यक्ष किसी प्रकार की शुल्क देनी होगी। कांस्टेबल भर्ती 2017, इसमें को शुल्क वगैरह आपके नहीं लगेगा। कांस्टेबल भर्ती 2017 हेतु दिनांक 25/12/2017 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, इसमें देख सकते हो आप किए गए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018, पहले ये 25 दिसंबर की गई थी आपको पता हो तो। इसके बाद में ये जो आज की न्यूज, इसमें 15 जनवरी की गई है, आपके लिए महत्वपूर्ण नीजिए को रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई जाती है। आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकाम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र क्रियोस्क जन सुविधा केंद्र, आप इसमें देख सकते हो, ये वेबसाइट पर दिनांक 15/1/2018 तक भरे जा सकते हैं। आवेदन के शेष शर्तें जो विज्ञप्ति में थी वो की वो रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में एक और न्यूज है, ये आपके लिए देख सकते हो आप। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2017, ये भी आज की न्यूज है, ये ऑफलाइन आवेदन वालों के लिए है, ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी है, इसमें ये कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर है और विषय किसमें, माननीय उच्च न्यायालय निर्णय की पालना में कांस्टेबल भर्ती 2017 हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत प्रसंग वगैरह इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हो। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि कांस्टेबल भर्ती 2017 के आवेदन पत्रों के प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 25/12/2017 से बढ़ाकर दिनांक इसको भी 15 जनवरी की गई है दोस्तों, ऑफलाइन की है जो। अब आवेदन पत्र प्रासंगिक पत्रों में अंकित शर्तों के आधार पर दिनांक 15/1/2018 की शाम 6 बजे तक आपके या जमा कराए जा सकेंगे, एवं आपके या प्राप्त समस्त ऑफलाइन आवेदन पत्रों की सूची में मूल आवेदन पत्र दिनांक 16/1/2018 को प्रातः 11 बजे तक मास्टर माइंड वेब पोर्टल पर फीड करते हुए विशेष वाहक के साथ इस कार्यालय में भिजवाए जाने का श्रम करें। और दोस्तों इसमें चाइन भी है इसे। तो दोस्तों ये दोनों न्यूज़ थी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़, जो कांस्टेबल के अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके लिए, ये जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते दोस्तों। ये डेट आपके आगे बढ़ गई, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, और पदों में भी जो बदलाव किया गया मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो इस न्यूज़ में इतना ही, आऊँगा एक नई वीडियो के साथ।
और एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ प्लीज़ मेरे चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब कर रहे, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।